हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया, इस पर तो लाखों वीडियो है, लेकिन आज इस वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा, है ना, स्किप करके नहीं देखिएगा। अगर सच में चाहते हैं कि आठ रीज़न, वो आठ कारण क्या है कि मैरिज फेल होता है, शादियां टूट जाती है, छः साल के अंदर, पाँच साल के अंदर, दस साल के अंदर, उसका क्या कारण है। आज आठ कारण बता रहा हूँ, ये आठ कारण यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समझना हो, सच में जानना हो, अपने परिवार में किसी की भी शादी को बचाना हो, तो अगर मैं बहुत भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को कि इस वीडियो को देखने के बाद और इसको समझने के बाद अगर आपके घर में कोई भी एक शादी बच जाता है, शादी टूटने से बच जाता है, तो मैं आपको अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। क्योंकि ये आठ कारण जो है, ये रिसर्च के बेस पे जो मैंने इतने सालों में किया, खुद भुगता हूँ और भी अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स में देखा है, सुना है, समझा है, उसके बाद ये आठ कारण मुझे समझ में आया कि आठ कारण है, एट रीजंस फॉर मैरिज फेल, है ना। उसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है एंटी ड्राइवर कंडक्टर एंड नेम नंबर। इससे पहले कि मैं ये समझाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि आपको मुझसे ही न्यूमरोलॉजी क्यों करानी है, आचार्य जी से एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी है, या मुझसे ही न्यूमरोलॉजी कोर्स क्यों सीखना है। न्यूमरोलॉजी कोर्स लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए वरदान के रूप में है। घर बैठे लाखों रुपया एक साल के अंदर कमाने लगोगे, वो भी इज्जत के साथ, नेम एंड फेम के साथ, है ना। इतनी इज्जत है इस बिजनेस में कि आप सोच नहीं सकते हो। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ इस बात को, है ना। इसीलिए घर बैठे और आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे आप कमा सकते हो। इसलिए आज न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखो, सस्ते में सबसे अच्छा, और नहीं तो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी कराओ। क्योंकि न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी इसलिए कराना है क्योंकि आपको जब भी ये महसूस हो कि आपके पास अपना खुद का बैंक बैलेंस क्यों नहीं है, आपका अपना खुद का लैपटॉप तक नहीं होगा, है ना, अगर आपके पास अपना घर नहीं है, कार नहीं है, स्कूटर नहीं है, आप फ्लाइट में ट्रेवल नहीं कर पाते हो, आप ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहन पाते हो, आपका ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल हो जाता है, आप ही बार बार बीमार क्यों पड़ते हो, आपका बीवी बच्चा आपका बात क्यों नहीं मानता है, आपका घर का बच्चा आपको पढ़ने में उसको मन क्यों नहीं लगता, इतना पढ़ने में तेज, उसके बाद भी उसको कुछ याद क्यों नहीं रहता है, आपके ऊपर ही कर्जा क्यों चढ़ता जा रहा है, आपका ही बिजनेस बार बार क्यों फेल होता है। ये सब कारणों का एक ही कारण है कि आपका अभी भी डेट ऑफ बर्थ जो है, है ना, जिसको हम मूलांग भाग्यांग ड्राइवर कंडक्टर बोलते हैं, वो आपका नाम का फ्रेंडली नहीं है, वो एंटी है, एनेमी है, है ना, अनफ्रेंडली है। उसको ठीक कराना है। जैसे ही वो ठीक होगा, आपका कुछ दिनों के बाद, क्या कि न्यूमरोलॉजी नेम करेक्ट करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपका देखिएगा सब कुछ ट्रैक पाना शुरू हो जाएगा राधे कृष्ण की कृपा से। अब मैंने प्रूव कर दिया हिंदुस्तान में कि मैं पहला ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुका हूँ जिसका 101 प्रेडिक्शन 100% ट्रू हो चुका है ऑनलाइन 9 मंथ्स के अंदर। मैंने सोचा था कि मैं इसको नहीं लिखूंगा, बंद कर दूंगा 100 के बाद, लेकिन मेरे ही क्लाइंट ने बताया कि नहीं सर, हमारे देश में हम इंडियंस की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लोग आपको भूल जाएंगे, इसलिए उनको याद दिलाते रहना है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और आपका प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन आज 24 से 26 साल में मैंने जितने भी लोगों को करके दिया, 50,000 से ज़्यादा लोगों को, सबका सब सही है राधे कृष्ण की कृपा से, और आगे भी सही होता जाएगा। मैंने राधे कृष्ण से मांगा है कि मुझे अगले 30 साल तक उसी तरह से मुझे आप अपना साथ देते रहें जैसा कि आज तक मुझे आपने दिया। 50 साल से मेरा ऊपर हो चुका है, है ना, जैसा कि आपको सब जानते हो, है ना, बहुत बड़ी में बता चुका हूँ। अब है इस आठ रीजन जो कि समझना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला एंटी ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और नेम नंबर। डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होता, किसी कीमत पर नहीं होता, तो नाम सिर्फ चेंज होता है। तो नाम को आपको फेवरेबल नंबर पे ले जाना है जो कि एंटी ड्राइवर कंडक्टर रहेगा, क्योंकि तो एंटी ड्राइवर कंडक्टर रहेगा, जैसे 1-8 हुआ, 1-4 हुआ, इस तरह से 3-6 नंबर वैसे तो बहुत सुपर डुपर फ्रेंडली नंबर होता है, लेकिन शादी पर्पज से यह एकदम एंटी नंबर है, शादियाँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 3-6 के बीच में? क्योंकि 3 देवताओं के गुरु हैं, अच्छे दैत्यों के गुरु हैं, सिर्फ शादी नहीं हो सकती। अदरवाइज फ्रेंडशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए 3-6 सुपर डुपर नंबर है। नेम न्यूमरोलॉजी के लिए 3-6 सुपर डुपर नंबर है, है ना, इस बात को याद रखना है। ये पहला कारण जिसको कि आज ही अपना न्यूमरोलॉजी करा के अपने परिवार में जिस किसी का भी एंटी नंबर है, अपना खुद का है, मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ एक साथ कराओ, फिर बड़ा बेटा बड़ा बेटी, छोटा बेटा छोटा बेटी का कराओ, और एक साल अफोर्ड नहीं कर सकते तो 1 by 1 कराओ, लेकिन न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों करा कर रखना चाहिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये टी या कॉफ़ी नहीं है कि चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी पी के गुजारा कर लेंगे, काम चला लेंगे, ऐसा नहीं है। ये कार और पेट्रोल की तरह है, जिस तरह से बिना कार जो है बिना पेट्रोल को नहीं चल सकता, उसी तरह से पेन इंक की तरह है, बिना इंक के पेन नहीं चल सकता, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। तो पहला कारण जो है, सबसे पहला एंटी ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, नेम नंबर, जो कि नेम नंबर को फेवरेबल बनाना है पहला। इसकी वजह से शादियाँ सबसे ज़्यादा टूटती हैं
और इसके पीछे जो कारण होता है उसमें सबसे बड़ा कारण होता है एम्बिशन। एम्बिशन मतलब होता है चाइल्डहुड ड्रीम। हर लड़का और हर लड़की बचपन से जब जब वो संभालता है तो उसके मन में क्या होता है, एक सुंदर लड़की, एक सुंदर लड़का, एकदम आमिर खान जैसा लड़का। लड़कियों के मन में कहता आमिर खान, शाहरुख खान जैसा लड़का, ना हीरो जैसा, मतलब एकदम हीरो फिगर, चाहे वो चपरासी क्यों ना हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर क्यों ना हो। ये फिल्मों में होता है, टैक्सी ड्राइवर से एकदम अमीर घर की लड़की शादी कर लेती है। और उसी तरह से लड़कों, हर लड़कों का ड्रीम होता है एकदम सुंदर लड़की, एकदम हेमा मालिनी जैसी सुंदर लड़की, और माधुरी दीक्षित जैसी, श्रीदेवी जैसी एकदम सुंदर लड़की, है ना, मधुबाला जैसी सुंदर लड़की चाहिए। लोग सुंदरता के पीछे भागते हैं, सुशील लड़की किसी को नहीं चाहिए, है ना, सबको सुंदर लड़की चाहिए। जो एम्बिशन चाइल्डहुड ड्रीम है बस यही, अब मिल जाती है इसका ठीक अपोजिट तो बस सब वहीं पे गड़बड़ हो गया। फिर चाहे लड़के के केस में हो चाहे लड़की के केस में, एम्बिशन मतलब चाइल्डहुड ड्रीम। आपने किसी के बारे में एक बना कर रखा है, फिल्म देखते हैं, फिल्मी हीरो हीरोइन के बारे में अपने आप को बना दिया, मेरा ऐसा हीरो होगा, मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, ऐसा लंबा होगा, ऐसा चौड़ा होगा, इतना ताकतवर होगा, है ना, ऐसा कमाएगा, करोड़पति अरबपति होगा। और आपके मम्मी पापा ने शादी कर दिया एकदम ठीक आपसे अपोजिट लोगों से, बस वहीं पे आपका शादी का सारा जोश, सारा उमंग सब वहीं ख़त्म हो जाता है, ढस हो जाता है एकदम, जिसको बोलते हैं। अब होता है तीसरा फैक्टर एम, शादी टूटने का कारण एम्बिशन चाइल्डहुड ड्रीम। एम, एम मतलब पर्पस, ऑब्जेक्टिव, आपके शादी करने का क्या ऑब्जेक्टिव। अगर आपने पापा मम्मी के दबाव में आके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर आपने शादी की सिर्फ वंश चलाने के लिए, मतलब खानदान को आगे बढ़ाने के लिए, ये शादियाँ टूट जाएगी 7 से 10 साल के अंदर टूट जाएगी, क्योंकि दोनों बच्चे होने के बाद, दो तीन बच्चे होने के बाद आपका इंटरेस्ट एकदम डाइवर्ट हो जाएगा, आप किसी और तरफ चले जाओगे, किसी और तरफ आपका झुका हो जाएगा, लड़के का लड़की का किसी और तरफ झुका हो जाएगा, बस वहीं पर शादी टूट जाएगी, क्योंकि पर्पस गलत है। शादी का पर्पस वंश बढ़ाना नहीं होता है, शादी का मतलब होता है भरपूर इंजॉय करना लाइफ को, हस्बैंड वाइफ बच्चे के साथ, है ना, दैट इज कॉल्ड शादी, जिसमें सेक्रीफाइस सबसे बड़ा फैक्टर होता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज बेस पे शादी की है, जहाँ कि आपको लगता है कि हर बार आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, तब आपकी शादी नहीं चलेगी, कुछ भी कर लो। शादी का दूसरा नाम है सेक्रीफाइस, त्याग, ये दोनों तरफ से होता है, गिव एंड टेक होता है, ये एक तरफ से नहीं होता है, इस बात को हमेशा याद रखना है, तब वो शादी चलती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेगी। दैट इज कॉल्ड पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ शादी। एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी उम्मीदें हो जाती है शादी के बाद, शादी के पहले 80% केसेस में, अगर आपने लव मैरिज शादी की है तो लड़का हमेशा आपको, लड़की को हमेशा बोलेगा मैं पहाड़ खोद के दूध निकाल दूंगा, पहाड़ खोद के पानी निकाल दूंगा, कुछ एकदम झूठा फॉल्स प्रोमिसेस करता रहता है। उसी तरह से लड़कियां भी फॉल्स प्रोमिसेस की, मान लीजिए, है ना, शादी के पहले घंटों आप चार घंटा आप सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करते थे, और शादी के बाद एकदम नहीं इंतजार करते, मतलब वो सारे एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद जो कि आपने लगा रखा है लड़की ने लड़के के प्रति, लड़के ने लड़की के, लड़की के प्रति, वो सारे एक्सपेक्टेशंस जब शादी के बाद नहीं फुलफिल होते हैं, है ना, कि मुझे इस तरह से लव करेगा, इस तरह से केयर करेगा, मेरा इतना आदर करेगा, मेरा इतना सम्मान करेगा, वो सब चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं, क्योंकि शादी के पहले एकदम सब झूठी बातें खाली होती, झूठी वादे होते हैं, झूठे प्रॉमिसेस होते हैं, उसके बाद सब चेंजेज हो जाता है। बस वही एक्सपेक्टेशंस आपको शादी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा सहायक होता है, टूटने में सबसे बड़ा सहायक होता है। दूसरा कंपेरिजन, तुलना, बहुत खतरनाक है। लड़की जब तुलना करने लगती है, है ना, अपने हस्बैंड का, कि मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा था, ऐसा लंबा था, ऐसा चौड़ा था, इतना सुंदर था, मुझे ऐसे केयरिंग करता था। आज तक लोगों ने ये बात कभी नहीं समझा कि लव, जितने भी लोग प्यार में जो अमर हुए, जो हीर रांझा जैसे अमर हुए, लैला मजनू अमर हुए, ये सब इन्होंने शादियाँ नहीं की थी। इस बात को हमेशा याद रखना, अगर शादी कर लिए होते थे तब पता चलता था कि उनका प्रेम कहानी कितना अमर होता था, है ना। शादी के पहले सब अच्छा होता है, सब बड़े बड़े वादे करते हैं, लड़का हो लड़की हो, एक दूसरे खूब बड़े बड़े वादे करते हैं, उसी वादे की वजह से जब वो पूरा नहीं होता, वही एक्सपेक्टेशन फिर कंपैरिजन में डेवलप होता है, उस कंपैरिजन में, और वो कंपैरिजन तुलना में जब आपको एकदम ठीक उल्टा मिल जाता है, क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम लड़कियाँ उम्मीद क्या करती है, मेरा हस्बैंड राजकुमार जैसा दिखेगा। और जितने भी टॉप लेवल पे, जितने बड़े बड़े पोस्ट पे लोग हैं, मैक्सिमम 80% लोग जो हैं एकदम देखने में काले कलूटे, एकदम सांवले, हम लोग जैसे एकदम सांवले बरन के लोग रहते हैं, है ना, वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता लड़कियों का, सबको मिल जाता है, खूब देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन एकदम खतरनाक लड़का मिल जाता है देखने में उसको, तो वो सारा कंपेरिजन जो उसको फिर उसकी तरफ आकर्षण उसका ख़त्म कर देता है। स्टार्टिंग का 4-5 साल बहुत आकर्षण रहा, उसके बाद सब खत्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे दोनों डाइवर्ट हो जाते हैं, वो शादी टूटने का सबसे बड़ा कारण कंपेरिजन बनता है, दैट इज द बहुत खतरनाक बात। उसके बाद इंटरफ्रेंस, शादी के बाद
लड़की के माँ बाप का इंटरफ्रेंस शादी को तोड़ने में 50% रोल सहायक बनता है। शादी के बाद भी जिस लड़की का माँ बाप का इंटरफ्रेंस उसके घर में लगा हुआ है, समझिए उस घर को टूटना ही टूटना है 10 साल के बाद। क्योंकि हर बात में लड़की हर चीज में रूठ के मायके चली जाएगी, फिर उसका मम्मी पापा उसको फिर वहां से लेके यहाँ पहुंचाएगा, फिर इस तरह से क्या होगा उसको, जब तक ये लगा रहेगा कि मेरे को सपोर्ट बना हुआ है, मैं किसी भी कभी भी किसी भी स्थिति में वापस मम्मी पापा के पास जा सकती हूँ, मेरा हस्बैंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा ससुराल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस समझ लीजिए वो इंटरफेरेंस ही शादी को 50% तोड़ने में सबसे बड़ा सहायक होता है। इसीलिए मैक्सिमम शादियाँ इंटरफेरेंस की वजह से भी टूटती हैं, चाहे वो लड़की जब शादी करके आती है, इसका वो भी होता है, इसका उल्टा भी होता है, लड़के का जो बहन है वो भी कहीं शादी करके गई है, वो भी उसी तरह से अपने घर में आके बैठ जाती है तो ननद भुजाई बिल्कुल नहीं बनता है, फिर तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा खूब होता है, शादी टूटने का वो भी कारण होता है। उसके बाद शादी टूटने का एक और कारण होता है कि लड़के वाले का एक्सपेक्टेशंस लड़की वाले से पैसे के मामले में बड़ा ज़बरदस्त रहता है। लड़का वाला चाहता है कि लड़की वाला उसको पैसा देता रहे, हर पूजा पर्व में फेस्टिवल में खूब उसको गिफ्ट देता रहे, वो सब चाहिए, लेकिन इंटरफ्रेंस नहीं चाहिए सास ससुर का। ये कैसे संभव है? चौखा मुरमुरा दोनों गाल फुलाबो ठिठाई का हंसबो, गाल फुलाए हो और हंसना भी चाहते हैं गाल फुला, कैसे कैसे संभव है कि आप गिफ्ट चाहते हो उनसे, उनसे वो पैसा पैसा चाहते हो, आदर सम्मान चाहते हो, चाहते हो कि बार बार आके हम लोग को गिफ्ट दे के जाए और उसके बाद इंटरफेरेंस भी नहीं चाहते हो, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप के अंदर वो भूख है, लालच है कि लड़की वाला मुझे हर बार देगा, मेरे बेटे को देगा, मेरे परिवार को देगा, तो फिर इंटरफेरेंस उनका रहेगा ही रहेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर तो शादी टूटने का कारण आप खुद हो। इस बात को लड़के वाले को भी समझना है कि हमेशा गिव एंड टेक शादी टूटती है, एक तरफ से शादियाँ नहीं टूटती है, तो ऐसी शादी एक तरफ से जो टूटती है वो सिर्फ 20% केसेस में टूटती है, 80% केसेस में दोनों तरफ से शादियाँ टूटती है, क्योंकि दोनों तरफ का गलती रहता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को समझना, क्योंकि सेक्रीफाइस की भावना नहीं है लोगों में, त्याग की भावना नहीं है, सब कॉम्प्रोमाइज बेस पे शादी करते हैं, कॉम्प्रोमाइज जहाँ आ गया वहाँ शादियाँ टूटनी टूटनी। और एबव ऑल एटीट्यूड एंड परसेप्शन, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया और परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया, हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के प्रति रवैया नजरिया में जरा सा भी फर्क आ गया किसी भी कारण से, चाहे पुराने रिश्तों की वजह से, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स की वजह से या अपने रिश्ते की वजह से, समझ लीजिए वो शादी टूट जाएगी 5 से 7 साल के अंदर। दीज आर द 8 reasons। आज मुझे इस वीडियो के बनाने के बाद अगर इसमें से आप लोग मुझे कमेंट करके बताना फीडबैक कॉलम में, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्या इसमें से कौन सा फैक्टर आपके घर में चल रहा है, जरूर लिख के बताना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, है ना। इसमें से कोई भी एक भी परिवार का अगर शादी बच जाता है टूटने से तो मुझे इतनी बेहद खुशी होगी, और राधे कृष्ण की कृपा उस पर बनी रहेगी। मैं चाहता हूँ कि राधे कृष्ण वो सारी शादियों को जोड़े फिर से जो टूट चुकी है किसी भी कारण से, जिसमें थोड़ा भी संभावना बचा है कि वो अंदर से अगर दिल से चाहते हैं कि फिर से शादी का वो घर बस जाए, तो उन लोगों को जरूर ब्लेसिंग्स मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। अदरवाइज जैसा चल रहा है चल रहा है, इसको खाली इंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखो वो अलग बात है, बट अगर अवेयरनेस पर्पज से देखना है और किसी को बताना है, शेयर करना है इसको, इस वीडियो को, अगर आपको लगे कि ये सही बात है और भी लोगों को जानना चाहिए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी, और उनका ब्लेसिंग्स तो हमेशा बना हुआ है ही मेरे साथ। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, वीडियो को पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपके साथ ऐसा हुआ या आपके घर में ऐसा, कि आपके फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स में ऐसा हो रहा है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग। न्यूमरोलॉजी कोर्स नहीं सीखना है, सारे फीमेल्स के लिए वरदान है एकदम, न्यूमरोलॉजी कोर्स और न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी नहीं करवानी है, फटाफट करवानी है, पेड करानी है, पैसा देके करानी है, क्योंकि फ्री या सस्ती चीज़ कभी किसी को प्यारी नहीं होती। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।